और तो मैं एक वहाँ से मैं एक मुस्लिम गर्ल थी उसके बाद तो रिलेशन था तो एक्चुअली कुछ हमारा कुछ अच्छा था ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थे हम में छः साल तक अच्छे से चला हम, हमारा और मैं भी सीरियस भी था वो भी सीरियस थी और मेरे घर पे भी पता था सब कुछ और मैं हिंदू फैमिली से हूँ मुस्लिम तो उसके घर वालों को भी जिस शादी की बात तो जब मैं शुरू शुरू में थोड़ा सेटलमेंट के प्रॉब्लम थे तो मैंने जैसे ग्रेजुएशन कम्प्लीट की मैंने अपनी एक आई टी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया और अभी जैसे फिर जब शादी की बात उसकी अगर की शादी के, के बाद चलने लगी सो मैंने थोड़ा इनिशिएटिव लेके अपने घर वालों को बोला और उसके घर वाले को मिलने के लिए तो कुछ टाइम पहले वो ठीक है वो मिल, मिल गए थोड़ा बात भीत हुई वगैरह लेकिन वहाँ से कुछ आंसर नहीं आया और बाद में जब हमारा हेलो जी जी हाँ बोलिए बोलिए हम सुन रहे हैं हाँ बोलिए ओके ओके सो बाद में जब वहाँ से कुछ आंसर नहीं आया लेकिन मैंने जब उससे गुस्से कॉल किया तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा यू नो लाइक हाँ राइट होना पड़ेगा। और ये हम छे साल से मैं इसके में ब्लॉक था इसके लिए कुछ भी रहा जैसे जैसे हमारी शादी होती है तो तुम जब आओगे यहाँ तो मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कि तुम्हें ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना उसके बाद क्या चेंज हुआ क्या नहीं उसने वो बोले कि तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा और ये मेरे मुझे अनकंडीशनल चाहिए था कंडीशन कोई चाहिए नहीं थी इसे मैंने कोई कंडीशन डाली थी और उसने भी नहीं उस मेरे भी एक्सपेक्ट करा थी वो भी नहीं डाली और ये हमारा पहले से डिसाइड था कि ऐसा कुछ होता है तो कोई भी अपना धर्म नहीं छोड़ेगा नहीं। बट ठीक है अभी तो बात होगी तो उसने फिर मैंने तो उसको मना कर दिया कि यह पॉसिबल ही नहीं क्योंकि ठीक है मैं प्यार करता हूँ बट यार ये सही नहीं रहेगा क्योंकि मैं ये हमने पहले ही डिसाइड किया था कि मेरा अनकंडीशन लगे मैंने तो तुम्हें फो, फोर्स नहीं करो तुम मुझे फोर्स मत करना बट उसने मेरी बात हुँ. नहीं सुनी और उसने अपने कुछ कज़िन ब्रदर या कुछ की शादी के लिए मुझे किसी उसी फ्रेंड से पता लगा कि उसकी शादी हो गई और उसके छः साल में उसका उसके साथ तलाक भी हो गया कुछ प्रॉब्लम हुई होंगी इंटरनल वगैरह तो अभी लास्ट दो हफ्ते दो महीने से एक्चुअली उसका कॉल आया था मुझे जैसे कि मैं भी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया मैं एक आई टी कंपनी में भी टॉप अच्छे अच्छी सैलरी में कमा रहा हूँ मैं भी, भी शादी का सोच रहा था मैं अब तो मेरा भी कोई रिलेशन नहीं अभी मैरिज अरेंज मैरिज के लिए देखने वाला था बट अभी दो महीने पहले उसका कॉल आया इसके लिए कि वो अब वो बोलती कि ठीक मुझसे गलती हो गई ये हो गई अब ऐसा कुछ होगा नहीं तो अगर तुम चाहते हो तो ना तो हम फिर से एक एक हो सकते हैं राइट ना मुझे भी प्रॉब्लम यह कि मैं दो इतने हमने उसमें ब्रेकअप करने के एक साल हो गया है बीच बीच में एक साल में मैंने कोई कांटेक्ट नहीं रखा उसकी शादी हो गई फिर टूट गई फिर अभी छः मंथ से घर तीन चार मंथ से इतनी घर पे वो अभी दो महीने पे उसको कॉल आया था फिर एक बार मैं जब मैं सिटी में गया ट्रैवल किया था मैं उसको एक बार मिलने भी गया था तो पता नहीं फिर से वो फीलिंग जरा वो स्टार्ट होगी मुझे उसको देखने के बाद में लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि वो एक्चुअली ठीक है मैं अभी चलो मैं चाहता भी आगे बट आई एम नॉट श्योर कि वो फिर से वही माइंडसेट के साथ रहेगी या क्या पता नहीं मुझे वो क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे से ये पूछना है कि एक्चुअली कोई बंदा इतना फॉलो करता है तो लेट से और उसका बाद में वो चेंज हो सकता है कि किसी को फिर से फोर्स करेगा कि नहीं ऐसे मैं इसके मैम क्लियर नहीं हूँ तो थोड़ा मैं डिले में हूँ बट तो मुझे समझ exactly नहीं आता एक्जैक्टली इस करेगा आप उससे पायलट हाँ, इस बारे में आपका जो है क्या मशवरा होगा नहीं मैं तो ये कहूँगा कि अगर देखें लाइफ जो होती है लव लव तो ठीक है लेकिन जब जिंदगी आप साथ गुजारते हैं दोनों तो जब तक आपके माइंड माँण, में हारमोनी दोनों के एक जगह पे नहीं होते तो जिंदगी इस तरीके से थोड़ी गुजरती है ठीक है आ, ये आपका लव का भूत जो है ना शादी के बाद वो काम डाउन हो जाता है थोड़ी देर बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं ठीक है तो okay. अगर आपके माइंड्स आपस में नहीं मिलते हैं तो आप जस्ट इस बात को जाने दें आप आप कोई और लड़की तलाश कर लें अपने लिए होता है कभी कभी जिंदगी में प्यार हो जाता है लोगों को तो क्या है उसमें इसमें कौन, कौन सी बड़ी बात है क्योंकि ये तो फिर सारी जिंदगी बच्चों के लिए और आपके लिए वो आपके खानदान के लिए खानदानी जो जिंदगी उसके लिए अच्छा नहीं होगा इसी तो आप हाँ लाइफ जो, जो, मैरिज होती है उसमें खाली लव नहीं होता उसमें और बहुत सी चीजें आ जाती है रॉकी तो जी मैं, मैं, तो। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंटल लेवल पर लॉजिकली वो सारी चीजों से आपसे मैच होती है उसकी सोच तो फिर उसके सामने ये जो कुछ भी ज्ञान हम ले रहे हैं सचवाला जी से इस ज्ञान को सही पॉइंट करके उसके सामने पेश उसको था कि साल तक वो भी थे कि उसने कंप्लीट किया है और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं एक आई इंडस्ट्री में जॉब करने लगा लेकिन वो उतना होने के बाद उसने छह साल तक कभी मुझे इस बारे में बोला भी नहीं कि तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा या करना पड़ेगा बट अभी सडनली उसके उसको पता नहीं कि उसने, एक, उसने को एक बार भी किया। दो, दो तीन बार हम कन्विंस करते फिर बात हो जाती से दो तीन बार कन्विंस करते तब मैं सोचता था कि यहाँ ठीक है लेकिन उसने एक बार भी तब जब फर्स्ट टाइम एक बार भी उसने कन्विंस नहीं किया सीधा बोल दिया कि तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा और

लेकिन जब आदमी मैच्योर होता है तो फिर चीजों को दूसरे तरीके से देखता है ना जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज तो नहीं होती ना और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा हां नहीं वो तो है एक्चुअली फ्रॉम पायलट जी आ... लेकिन वो लौट आई ना वो फिर से कनेक्ट हो गई ना फिर से हां वो दो मन आप ये कह सकते हैं रॉकी कि उससे कहें कि वो इस्लाम छोड़ दे

तो मैं तो तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम हिंदूइज्म जो है एक्सेप्ट कर लो बल्कि मैं यह कहूंगा कि हम किसी को भी तुम जैसे वैसे नहीं कि भी तुम क्या तुम इस्लाम छोड़ सकती हो ओके okay. तीसरी ऑप्शन है तीसरी ऑप्शन है अगर आप कर सकते हो दोनों धर्मों को था? दोनों दोनों रिलिजन को छोड़ दो वो अपना रिलिजन छोड़ दे तुम वो आप अपना छोड़ दो Actually, मैं इतना आप लोगों का लव अगर इतना है तो फिर दोनो, दोनो रिलिजन दो. ये हाँ. है कि आप ये देखते आप हैं ये नहीं कर सकते अगर नहीं कर सकते तो फिर जस्ट को इसका मतलब है कि और लव से ज्यादा आपके पास और इम्पोर्टेंट चीज भी है आप नहीं छोड़ सकते ना इसीलिए क्योंकि इस तरह की मान्यताओं के होते हुए वो तो फिर एक तरह की जो है कॉम्प्रोमाइज ये मतलब आप समझौता कर रहे हैं तो समझौता ज्यादा दिन नहीं चलता मेरे भाई हाँ बराबर इसे चलो हाँ, समझौता ज्यादा दिन नहीं चलेगा कहीं ना मैंने एक्चुअली आपके कुछ वीडियो भी, भी भेजे थे उनको बस दो तो तीन बार अभी थोड़ी बात होती ना ऊपर ऊपर तो आपके वीडियो भी भेजे कि उस कोई रिस्पांस नहीं किया अच्छे या कुछ कुछ भी नहीं मैंने उसको पूछा भी रॉकी जी तलाक के बाद मैं समझता हूं उसके ज़हन में भी कुछ ना कुछ एक इंसानियत के खिलाफ होने वाली चीज है इस रिलीजन में ये एहसास होना शुरू हो गया उसको और पता है कि वो ग्रेजुएट बंदी है और उसने ऐसे बंदे से ठीक है एक्चुअली पता नहीं वो रिलेशन में हो गया इसलिए उनके रिलेटिव है लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं करता था जैसे वो किसी गैरेज में काम करता था उसमें उसने शादी के लिए सोच ही

राइट राइट है, है, कोई है, जल्दबाजी जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना तो समझ के आ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी को धोखा देना धोखा भी नहीं देना है और खुद धोखा भी नहीं खाना है ना धोखा हाँ, देना है ना धोखा खाना है मैं ये कहना चाह रहा हूँ काम नहीं होना चाहिए जी नहीं बराबर चले ठीक है